हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पर आज हम सीरीज़ में आज एक नया चैप्टर जानेंगे जो कि आपका चैप्टर 3 है क्लास 10th में केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो आपके लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपको इस तरीके से यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे देखिए आपकी 1 से लेकर 100 तक रैंक आए और आप लोगों का मेरिट में यहाँ पर नाम आए। तो देखिए, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हम डाल रहे हैं उन सबको आपको देखना है। तो चलिए, यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें आज हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। तो मेटल होते क्या हैं? देखिए, मेटल होते क्या हैं? देखिए, मेटल देखिए ऐसे देखिए आपके एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि हार्ड हों, डेंस हों, जिसे आप हार्ड या डेंस बोलें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हों, यानी अच्छे चालक हों विद्युत और ऊष्मा के। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखिए, किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में देखिए कन्वर्ट करते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को आप उस मेटल की क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। अगर आप किसी भी मेटल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसकी वो प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। और अगर आप किसी मेटल को आसानी से देखिए शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें हैमरिंग कर, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मैलेबिलिटी कहलाती है। मैलेबिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। देखिए, कभी डक्टिलिटी तो कभी मैलेबिलिटी पूछी जाएगी। ये लस्ट्रस होते हैं यानी चमकदार होते हैं। और ये कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये आपका बेसिक होता है नेचर में। कैसा होगा? बेसिक होता है नेचर में। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, जो जिस पर मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर नोट करने हैं। तो ये आपने यहाँ पर देखा कंडक्टिविटी का मतलब होता है। देखिए, मैंने कहा गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, यानी जो मेटल होते हैं वो अपने अंदर से क्या होते हैं? आसानी से हीट को फ्लो करने देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं। तो इसलिए आप इन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इन्हें कहते हैं इनके एग्जांपल, जैसे देखिए मेटल के क्या एग्जांपल होते हैं? सोडियम आपका हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम यहाँ पर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, टाइटेनियम, टंगस्टन, जितने भी आपके पास देखिए मेटल, इस तरीके के मेटल होते हैं देखिए जो हार्ड हो, डेंस हो। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, जो कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको देखना है, ध्यान रखना है इस पर। अब देखिए नॉन मेटल पर हम डिस्कस करें। देखिए, नॉन मेटल में से आप उसकी प्रॉपर्टी जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसका रिवर्स करें। नॉन लस्ट्रस, चमकदार। लस्ट्रस का मतलब है चमकदार, लस्ट्रस का मतलब है चमकदार। तो ये चमकदार नहीं होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। देखिए, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी छूट गई। यहाँ पर देखिए, जो नॉन मेटल होते हैं, देखिए क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन के आउटर सेल में आपको यहाँ पर पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और सोडियम के कितने होंगे? देखिए, सोडियम के में कितने होते हैं? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम की कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल में? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए। तो ये देखिए, जो सोडियम होगा, यानी सोडियम आपका मेटल है, ऐसे मेटल नॉन मेटल दोनों को आप समझेंगे मेटल। तो देखिए, मेटल देखिए अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा इसको, किसको? आपके नॉन मेटल को। तो जो देखिए जो Na है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद, इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद वो प्लस हो जाता है। कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब क्लोरीन के पास 7 है, अब 8 हो गए, यानी उसके आउटर सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन कवर हो गए। अब वो Cl नेगेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नेगेटिव, यानी उसने एक ले लिया है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, और जिसने दे दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। इससे क्या पता चलता है कि जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बल्कि जो आपके मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हु इज़ डोनर एंड हु इज़ एक्सेप्टर। एक्सेप्टर इज नॉन मेटल एंड डोनर इज मेटल। जो आपके मेटल होंगे वो हमेशा डोनर होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, और जो आपके नॉन मेटल होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो कई बार यहाँ पर पूछा जाता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड यहाँ पर बनता है आपका? तो कौन सा बॉन्ड होता है? वो आयोनिक बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, जिसे आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी में भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आयनिक बंध आप उसे कहेंगे। ये आप क्लियर हो गया बिल्कुल। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते, इसलिए बैड कंडक्टर होते हैं। और जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। आप देखिए किसी भी जो आपका नॉन मेटल है वो कैसे होंगे? एसिडिक होंगे नेचर में। कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे हमने बताया था कि जो मेटल है वो उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका उल्टा है कि जो नॉन मेटल होंगे उनके एसिडिक ऑक्साइड होंगे। कैसे ऑक्साइड होंगे? एसिडिक ऑक्साइड होंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करें। जो मेटल ऑक्साइड बोथ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो एसिडिक जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। पर कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिड भी होते हैं नेचर में और बेसिक भी होते हैं नेचर में। जैसे आपके जिंक के ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, लेड के ऑक्साइड होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं। कई बार आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि जो जिंक का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और लेड का ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं नेचर में। तो वहाँ पे ऑप्शन में एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पर एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके मेटल होते हैं। मेटल तो बेसिक बनाते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड लगा देते हैं। पर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये तीन एलिमेंट आप याद रखिए, मैंने जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। एसिड और बेस दोनों के साथ क्या मिलकर बनाते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मेटेलिक ऑक्साइड जब इनका बनता है तो ये एसिडिक भी होते हैं नेचर में और बेसिक भी होते हैं नेचर में। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये आपको ध्यान ढंग से याद रखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत बार पूछा गया, देखिए आपसे एक क्वेश्चन में आपको बताऊँ कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताइए। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्या है, यहाँ पर पोटेशियम, फिर यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका जिंक, या आपने हो सकता है किसी ट्रिक से भी याद किया हो इस तरीके से, फिर आपका Fe, फिर आपका लेड, हाइड्रोजन के नीचे देखिए लेस रिएक्टिव आने शुरू हो जाते हैं, नॉन मेटल आने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, मतलब कॉपर, HG, Ag, मतलब ये लेस रिएक्टिव होते हैं आपके। क्योंकि हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये मेटल, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल से भी मैच करती है, नॉन मेटल से भी मैच करती हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट रिएक्टिव आपसे पूछेंगे, या मोस्ट रिएक्टिव आपसे पूछेंगे बिल्कुल, तो आपका पोटेशियम होगा, फिर सोडियम, कैल्शियम, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नीचे जाते वक्त आपकी जो रिएक्टिविटी है वो घट रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये आपने रिएक्टिविटी की बात की, इससे क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखिए थर्मिट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका थर्मिट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका Fe2O3 होता है वो एल्यूमिनियम के साथ, यानी आपका Fe2O3 जो होता है आयरन ऑक्साइड, क्या होता है ये? आयरन का ऑक्साइड होते हैं, आयरन का ऑक्साइड होता है। जब ये आपका किसके साथ मिलता है, ये आपका हेमेटाइट है, वैसे Fe2O3 हेमेटाइट ओर है, तो जब ये इसको हम एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? थर्मिट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? थर्मिट रिएक्शन होती है। जैसे आपकी रेल की पटरियां कहीं पर क्रैक हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? थर्मिट रिएक्शन का यूज़ होता है रेल में, रेलवेज में, जब आपकी जो क्रैक आ जाता है आपके ट्रैक्स में, रेलवे ट्रैक में, तो वहाँ पर आप थर्मिट रिएक्शन का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये जो प्रोसेस है, आयरन ऑक्साइड दोनों मोल्टन स्टेट में होंगे, आपके दोनों मोल्टन स्टेट में होंगे, दोनों को आपको क्या होगा? कंबाइन करना है और वहाँ पर क्या हो जाएगी? एक रिएक्शन होगी, थर्मिट वेल्डिंग भी आप इसे बोलते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग होती है एक तरीके की। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए ओर्स के बारे में हम डिस्कस करें, ओर क्या होती हैं? देखिए ओर, देखिए ओर क्या होगा, देखिए इसमें से आप क्या करते हैं, एक निश्चित एलिमेंट की ओर होती है, जैसे आयरन की ओर होगी तो वहाँ से आपको आयरन मिलेगा। जहाँ से आप क्या करेंगे, किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसे आप ओर कहते हैं। तो देखिए आयरन की कौन कौन सी ओर होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आयरन की कौन कौन सी ओर होती हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जिसमें आयरन होता है वो होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट।
फिर हेमेटाइट, ये दो आप याद रखें मेनली, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ हेमेटाइट। तो देखिए जो इनका फार्मूला भी आप याद रखें, Fe3O4 होता है इसका फार्मूला, और इसका Fe2O3 होता है हेमेटाइट का, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और मैग्नेटाइट में आपका 70% आयरन, 70+ मैं इसे कहूँगा, इसमें आयरन होता है, हेमेटाइट में इससे कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब एल्यूमिनियम की क्या और होती है, एल्यूमिनियम की और होती है देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट से आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉक्साइट मेनली यहाँ पर आती है। कॉपर की क्यूपराइट, कॉपर पाइरेट, इस तरीके से अलग अलग और होती हैं। देखिए कॉपर आप समझ जाएंगे, यहाँ पर गलत, यहाँ पर देखिए कॉपर की नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर मरकरी में लिख रहा है ये, तो यहाँ पर देखिए कॉपर की मैंने आपको बताया क्यूपराइट, क्यूपराइट इस तरीके से ये आएगा यहाँ पर क्यूपराइट। फिर आप देखिए कॉपर पाइरेट, इस तरीके से इसकी ओर होंगी, इनके नाम आप याद रखिए केवल। मरकरी की ओर आपको पता है सीनाबार होती है, क्या होती है सीनाबार, ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है मरकरी की ओर क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट HgS सल्फाइड ओर होती है मरकरी की, सल्फाइड ओर होती है मरकरी की, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ओर से आपके बनते हैं। अब देखिए ओर आप कैसे पहचानते हैं, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, अब आप मैंने बोला यहाँ पर सल्फाइड ओर, तो कैसे पहचानेंगे, देखिए अगर किसी भी मेटल के साथ S यानी सल्फाइड जुड़ा है, S जुड़ता है आखिरी में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया HgS सिनेबार जो मरकरी की ओर है, Hg यानी मरकरी का साइन होता, तो ये आपकी कैसी ओर है, सल्फाइड ओर है, कैसी ओर है सल्फाइड ओर है। तो आप ये समझ चुके हैं सल्फाइड ओर कैसे पहचानेंगे। फिर ऑक्साइड ओर, जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया था हेमेटाइट मैग्नेटाइट, तो इसमें Fe3O4 था, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन आपको कहीं मिल जाए, मेटल के साथ ऑक्सीजन आपको कहीं दिखे, तो वो आपकी कौन सी ओर होगी, वो आपकी ऑक्साइड ओर होती है। कौन सी ओर होती है, ऑक्साइड ओर होती है। अब यहाँ पर देखिए और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर आपकी ओर होंगी, हैलाइड ओर, हैलाइड ओर, हैलाइड ओर में क्या होते हैं हैलोजन ग्रुप जुड़ते हैं, कौन से ग्रुप जुड़ते हैं, हैलोजन ग्रुप आपके जुड़ जाते हैं। ये देखिए हैलाइड ओर में मेटल प्लस हैलोजन, हैलोजन ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यह कार्बोनेट में CO3 जुड़ जाएगा मेटल का, बस यही आपका है, हैलाइड में आपके देखिए Cl2 इस तरीके से आपके जुड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया जो हैलाइड ओर होगा उसमें क्लोरीन आपको देखने के लिए मिलेगा, हैलाइड को आप क्लियरली समझें, क्लोरीन आपको देखने को मिलेगा NaCl इस तरीके से, क्लोरीन उसमें आखिरी में आपका जुड़ जाता है मेटल के साथ। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, और हमने डिस्कस की और जो चीज़ें मेन हैं वो मैं आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपके मेन है। अब देखिए आपकी दो प्रोसेस आपने पढ़ी है, रोस्टिंग और क्या होता है, एक रोस्टिंग होती है प्रोसेस और एक होती है कैल्सिनेशन, दो प्रोसेस। देखिए रोस्टिंग में क्या होते हैं आपकी, देखिए इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें जो ओर होती है, देखिए ओर आपकी देखिए क्या होती है, ऑक्साइड के रूप में है, सल्फाइड के रूप में है, तो इस ओर को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, ओर में आप हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर में आप हीट करते हैं जब ओर को, तो क्या बनता है देखिए, तो आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है आपकी रोस्टिंग, कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, रोस्टिंग। और इसमें कौन से आप ओर को क्या करते हैं, प्योर करते हैं, सल्फाइड ओर, कौन सी ओर को आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, किस ओर का, सल्फाइड ओर का ऑक्साइड बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में देखिए आपका क्या होगा, जो कैल्सिनेशन है आपका, इसमें आप ध्यान रखिए, जो आपका अब बात करें देखिए कैल्सिनेशन की, कैल्सिनेशन की इसमें देखिए आप कार्बोनेट ओर को देखिए, जैसे CaCO3 है, इसको ऑक्साइड में आपको बदलना है, तो इसमें आप क्या करते हैं, हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर की एब्सेंस में आप हीट करते हैं इसको, हीट किया आपने तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 अलग हो गया, तो आपने क्या किया, जो ओर है जैसे कार्बोनेट ओर है, तो उससे आपने क्या किया, ऑक्साइड ओर में बदल रहे हैं। और रोस्टिंग में मैंने अभी आपको बताया कि जो सल्फाइड ओर होगी, कौन सी ओर होगी, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर को आप क्या करते हैं, इसमें प्योर करते हैं सल्फाइड ओर को, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, उसको आपको ऑक्साइड बनाना होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में चाहिए और एब्सेंस, तो यहाँ पर प्रेजेंस चाहिए, इसमें O2 चाहिए आपको ज़्यादा मात्रा में, इसमें
रिमूव कर देते हैं मॉइस्चर को, एब्सेंस में करते हैं यहाँ पर हीटिंग आपको। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आती हैं। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या आते हैं, देखिए एलॉय, तो आपको पता है देखिए जो ब्रास है और ब्रॉन्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के। तो ब्रास का क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक और यहाँ पर कॉपर प्लस टिन, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए मेन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर नोट कीजिए। और आपको क्या याद होने चाहिए, अटोमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए आपको, अटोमिक नंबर आपको लगभग 30 तक आप याद करें। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है अटोमिक नंबर, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अब देखिए, अब हमने मेटल की चली यहाँ पर बात की, तो मेटल में आप देखिए बेस्ट कंडक्टर की मैं बात करूँ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर है। क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पर बच्चे कॉपर और सिल्वर एग्जाम्पल होते हैं, कॉपर पर लगा देंगे, नहीं आपको सिल्वर करना है। क्या करना है, सिल्वर। और जो बैड कंडक्टर होता है हीट का, बैड कंडक्टर ऑफ हीट वो क्या होगा, लेड। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा मेटल जो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वो मरकरी है। और मरकरी ही आपको पता है एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये भी आपसे पूछा जाता है, देखिए तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपको कैसे ध्यान रखना है कि कौन सा अधिक यहाँ पर मैलेबल है, डक्टाइल कौन होगा, मेटल होंगे, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया मेनली जो टॉपिक हैं। और देखिए किंग ऑफ एसिड्स, कई बार पूछा जाएगा एसिड का किंग कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का जो राजा होता है, अम्ल राज आप इसको ना समझें कि आप यहाँ पर HCl वाला HNO3 H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स भी आप इसको कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी आप इसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चू ऑफ विच मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट, थिन सीट में बदल दें, मैलेबिलिटी बताया आपको। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन एंड थिन वायर, वायर में आप कन्वर्ट कर दें, तो उसे आप डक्टिलिटी कहते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर अभी डिस्कस किया। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर कौन होते हैं, लिड, ये भी आपको पता है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनायंस क्या होते हैं, देखिए एनायन क्या बात की हमने यहाँ पर, एनायन क्या होंगे, तो देखिए एनायन और कैटायन, देखिए ऊपर नीचे क्वेश्चन है एनायन और कैटायन, तो यहाँ पर आपको देखिए ध्यान रखना है जो आपके एनायंस होते हैं, देखिए जो आपके एनायंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो आप उसे एनायन कहेंगे, और कहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उसे आप क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। ये आप इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एनायन होंगे वो नेगेटिव चार्ज होंगे और जो आपके कैटायन होंगे वो आपके कैसे होंगे, वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल में भी जो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल, तो सोडियम पोटेशियम आयोडीन मेटल है यहाँ पर, देखिए कार्बन और आयोडीन तो यहाँ पर क्या हैं, नॉन मेटल हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो देखिए कार्बन में जो ग्रेफाइट होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो आपका गुड कंडक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। लस्ट्रस नॉन मेटल, ऐसा कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस होता है, लस्टर यानी चमकदार, आयोडीन नमक, आपने आयोडीन देखा है वो चमकदार होता है। हार्डेस्ट नॉन मेटल, हार्डेस्ट नॉन मेटल क्या होता है, देखिए कार्बन क्या होगा, कार्बन। मोस्ट अब्यूडेंट नॉन मेटल, हमारी पृथ्वी में देखिए मोस्ट अब्यूडेंट जो आपके अर्थ की क्रस्ट में कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है, यह आपको यहाँ पर बताना है। देखिए मोस्ट अब्यूडेंट, तो ऑक्सीजन इसका आंसर है, क्या आएगा, ऑक्सीजन। कार्बन में आप कन्फ्यूज ना हो, मोस्ट अब्यूडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन 14, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन क्या होगा यहाँ पर, 14 होगा, क्या होगा यहाँ पर, 14, ये आपको ध्यान रखना है। सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, सैंड सिलिका होती है उसमें और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है SiO2, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए आज की वीडियो में, देखिए इतना ही हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। और देखिए बहुत ही जल्द अब जुलाई आपकी, 1 जुलाई आज हो गई है, कितनी तारीख है आज, 1 जुलाई,
तो अब देखिए 1 जुलाई आज आपकी डेट हो गई है। अब 1 जुलाई है तो कभी भी आपकी आज कल परसों जब भी विदिन वीक 1 सप्ताह के अंदर कभी भी आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। तो तैयार रहिए बिल्कुल। आप सभी को देखिए ढिलाई में काम नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है दबा के, तभी आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम देखिए छोटा या बड़ा यहाँ पर आपका नहीं होता। जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपके लिए बड़ा एग्ज़ाम है, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर देखिए अगर आप ठान लेंगे कि आपको यहाँ पर अच्छी रैंक लानी है तो फिर कोई भी आपको अच्छी रैंक लाने से रोक नहीं सकता। क्योंकि आपको देखिए हम ऐसी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जिससे आप क्या करें आपके लिए एक बेस तैयार हो जाए कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, आपकी रोज़ प्रैक्टिस की एक आदत बनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको देखिए ठान लेना है, ठान लेंगे तो जीत होगी और अगर मान लेंगे तो हार होगी, ये आपको मानना है। तो आपको ठानना है कि आपकी जीत होगी, आपको अच्छी रैंक चाहिए, आपको 100 के नीचे और बेस्ट से बेस्ट आपको 1 के बहुत पास जाना है। आपको यह है कि 1 रैंक के आपको बहुत पास जाना है। तो आपने ठान लेना है, अगर आप मान लेंगे कि मुझे तो जो है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही पढ़ना है तो फिर आपकी 4-5 हज़ार में कहीं रैंक मिलेगी आपको, कोई कॉलेज आपको मिलने वाला नहीं है अच्छा कॉलेज आपके पसंद का। ये मैं आपको बता दूं, आपके साथ वाले जो साथी होंगे वो अच्छा कॉलेज लेंगे और आपको देखिए अगर जो स्टडी नहीं करेंगे वो स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज तो क्या, उनको प्राइवेट कॉलेज में फिर जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में तो सिर्फ पैसा वहाँ पर आप दे सकते हैं, पर अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, गवर्नमेंट सीट अगर आप निकालते हैं, अच्छी से अच्छी रैंक आपको अगर चाहिए, 1 रैंक तक अगर आप के पास जाते हैं, 1 रैंक से 100 रैंक तक भी मैं आपको बोलता हूँ अच्छी रैंक है देखिए, पर आपको पास जाना है, इसके 1 रैंक के पास जाना है। आपको बहुत जो है मेहनत करनी है, आपको ठान लेना है जीत के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। हमने देखिए कल ही क्वेश्चन पेपर जो है, कल ही क्वेश्चन पेपर देखिए हमने आपको देखिए टेलीग्राम पर दिया है नया क्वेश्चन पेपर, तो उसको सॉल्व करने की आप कोशिश करें। हमने देखिए आपको न्यू क्वेश्चन पेपर दिया है, अभी आपको न्यू एक क्वेश्चन पेपर हमने आपको ये ई ग्रुप को, इंजीनियरिंग ग्रुप को एक क्वेश्चन पेपर दिया है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर वो आप सॉल्व करने की कोशिश करें देखिए। और ये वीडियोस भी आप देखते रहें, अगर आप सभी वीडियोस देखते हैं तो आप आसानी से वो एग्ज़ाम कर लेंगे। और अपना मार्क्स देखिए उस क्वेश्चन पेपर में जो आ रहे हैं वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वहाँ पर हमें बताते रहेंगे, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, तो हम वैसे क्वेश्चन लेंगे जो नहीं बन रहे उनको एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है और आपको हमारे चैनल के साथ यहाँ पर बने रहना है। आप हमें देखिए त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो आप कहीं पर भी फ्रीली कमेंट करें, हम आपको देखिए उत्तर देंगे। आपको निसंकोच होकर अपनी क्वेरी पूछनी है, हम वहाँ पर आपको जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तो आप देखिए इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपको आज का गुरु मंत्र दे लिया है कि आपको ठान लेनी है जीतने की, आपको हारना नहीं है, आपको ठानना है जीत की, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।